हेलो दोस्तों, बीएनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन भारद्वाज। आज मुंबई के पीवीआर में मराठी फिल्म अनन्या का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस मौके पर सभी स्टारकास्ट पहुंची। हमारी टीम ने रुचा आप्टे से खास बात की। कैसा रहा रुचा आप्टे का इस फिल्म में काम करना? किस तरह का किरदार है? क्या पूरी कहानी है? देखिए हमारी खास मुलाकात रुचा आप्टे के साथ। नमस्कार, मेरा नाम रुचा आप्टे। इस फिल्म में मैं प्रियंका नाम का एक किरदार निभा रही हूँ, निभाया है मैंने, जो कि अनन्या की बेस्ट फ्रेंड, बचपन से जो उसके साथ है, उसका ये किरदार है। और ये ऐसी लड़की है जो किसी भी सिचुएशन में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ती। वो चाहे तो कुछ भी हो जाए, वो डट के उसके साथ खड़ी रहती है। और कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका उसका अपना सक्सेस देखती है अनन्या के सक्सेस में, इतना उनका बॉन्ड जो है प्यारा है। और वो उस उतनी प्यारी तरह से दिखाया है फिल्म में। कैसी केमिस्ट्री रही है जो उनके साथ में, अनन्या के साथ? मेरी पर्सनली रुता के साथ बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री बनी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान, क्योंकि हम पहली बार मिले थे एक तो, और मैं जानती नहीं थी उसको पर्सनली, वो भी मुझे जानती नहीं थी। लेकिन शूट के टाइम पे मुझे ऐसे पता चला कि बहुत ही सिंसियर एक्ट्रेस है ये, क्योंकि छोटे छोटे सीन के बाद वो चेक करती थी कैसे हुआ है शॉट, ये लाइन मैंने कैसी बोली, वो लाइन कैसी बोली, मैं दिख कैसी रही हूँ। ये बहुत कंसर्न्ड लड़की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये उसका, ये इसकी क्वालिटी। सो उसकी वजह से हमारी काफी अच्छी केमिस्ट्री बनी और जो फिल्म में भी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो इसके लिए भी फिल्म देखो, फिल्म काफी अच्छी है, एक हटके स्टोरी है। स्टोरी अक्सर आती है मराठी, हिंदी, साउथ में कोई, लेकिन ये थोड़ी हटके फिल्म है। कितना प्राउड फील करते हैं इसको लेकर, स्टोरी काफी अच्छी है हमारी? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा। मेरा मतलब है कि मैंने 4-5 मराठी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये पहली फिल्म है मेरी जो थिएटर्स में रिलीज हो रही है, तो ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है। और मेरी, वैसे देखा जाए तो मेरी डेब्यू फिल्म ही है जो, क्योंकि ये पहली फिल्म हाँ थिएटर में रिलीज होने वाली मेरी पहली फिल्म है। उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रेस भी है इस बात का, क्योंकि ये ट्रेलर लॉन्च वगैरह ये सब भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है कभी भी, लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा है कितना मराठी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, ऐसे मुझे आज ही पता चला, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो मैंने सोचा, लगता है आपकी लाइफ के मील का पत्थर, किसी भी एक्टर के लिए उनकी पहली फिल्म तो एक मैल का पत्थर होती है, और मेरे लिए भी ये रही है। लेकिन अभी मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, क्योंकि ऑडियंस को कैसी लगने वाली है ये तो अभी पता नहीं है मुझे, लेकिन आई एम श्योर कि सबको ये फिल्म अच्छी लगेगी। अनन्या की बात करें कि प्रोड्यूसर से बात की, उन्होंने कहा 4 महीने में इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि पैर से आज भी वो खाना खा सकती है। जी बिल्कुल सही बात है, उसने बहुत मेहनत की है और वो जितनी आसानी से पैर यहाँ तक लेके आती है, वो ट्रेलर में भी शॉट दिखाया है, वो देख के मुझे भी ऐसे लगे, मुझे भी कोशिश करके देखने, लेकिन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। व्हेन आई ट्राइड इट आई वाज लाइक, ये मैं नहीं कर सकती, ये कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन रुता ने बहुत बहुत मेहनत के बाद ही, लेकिन मेरा पैर नहीं यहाँ तक, हम जब बच्चे रहते हैं तभी हम ऐसे पैर यहाँ पे लाते हैं, बड़ा होने के बाद तो कोई ऐसे करता नहीं है। लेकिन शूटिंग के दौरान मुझे लगा कि इसने इतना अचीव किया तो मुझे भी ट्राई करके देखना चाहिए, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।